हेलो गाइस, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। यानी आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि आप अगर अपना फेसबुक जो अकाउंट्स है, जब भी आप लॉगिन करते हैं और यूज़ करते हैं, उस टाइम आपका जो फेसबुक का अकाउंट है, यानी फेसबुक के अकाउंट में जो भी अपलोडेड वीडियो है, ईजिली ऑटोमेटिकली प्ले होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका फेसबुक में ऑटो प्ले होता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इजीली इसको बंद कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, अगर आप अपना इस सेटिंग्स को बंद नहीं करेंगे, यानी ऑटो प्ले जो ऑप्शन है इसको बंद नहीं करेंगे, तो आपका मोबाइल का जितना भी डाटा है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, या आपका डाटा जल्दी ख़त्म होता है तो आप कैसे अपना डाटा को बचाए। जी फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना मोबाइल डाटा को बचाना चाहते हैं और आप इस परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो इससे सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे से छोटा वीडियो होगा, छोटा वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे और आप इस परेशानी से बच पाएंगे और आप अपना मोबाइल का डाटा जो है वो सेविंग्स कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो मैं मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना मोबाइल का इस सेटिंग्स को इजीली कर पाए। सो फ्रेंड्स, चलिए एंड तक देखते हैं और जरूर सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अब देख पा रहे हैं, मैं जो मेरा मोबाइल स्क्रीन है उसमें आ चुका हूँ और आपका जो फेसबुक ऑटो प्ले जो वीडियो सिस्टम से इसको कैसे बंद करना है, इसके लिए आपको सीधे चले जाना है आपको फेसबुक अकाउंट्स में। सो नाउ आई एम गोइंग टू माय फेसबुक अकाउंट्स। देखिए, मैं फेसबुक अकाउंट जो है उसमें आ चुका हूँ। इसमें आने के बाद आपको देखिए, मेरा जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक प्ले होता था पहले, मगर अभी जो वीडियो है वो प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे आपको इस सेटिंग्स को करना है ऑफ, इसके लिए आपको सीधे आपको जाना है मोबाइल का थ्री डॉट्स में। जाने के बाद आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, उसके बाद सेटिंग एंड प्रिवेंसी में जाना है। जाने के बाद फिर आपका और एक सेटिंग्स मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको जाना है। जाने के बाद सीधे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा मीडिया एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आप मीडिया एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे। जाने के बाद फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें देखिएगा आपका ऑटो प्ले का ऑप्शन है। ठीक है, आपका ऑटो प्ले का ऑप्शन है, आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद देखिए मेरा सेटिंग्स ऑफ क्या हुआ है। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे आपका मोबाइल में आपका जो ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई कनेक्शन इस तरह से रहेगा, आपको करना होगा क्या, आपको नेवर ऑटो प्ले वीडियोस में क्लिक करना है और इजीली आपका जो वीडियो है वो बंद हो जाएगा। और जब भी उसको आप चाहे प्ले कर सकेंगे, यानी प्ले करेंगे तभी आपका वीडियो यानी प्ले होगा। सो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना। वीडियो का अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट्स करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इस तरह टेक्नोलॉजी टाइप वीडियो डालता रहता हूँ और अपलोडिंग करता रहता हूँ। और प्लीज़ आपसे मैं और एक बात बताना चाहूँगी, प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को जरूर अलाउ कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोडिंग करूँ आपको तुरंत मिल जाए, आपको पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।